गुरु जी, आखिर हम जीवन में चाहते क्या है और क्यों? जीवन का उद्देश्य क्या है? ये बहुत अच्छा है, ऐसा प्रश्न दिमाग में उठाना, बड़े भाग्यशाली समझना। अच्छा किस्मत होने से ये प्रश्न उठता है, जीवन का लक्ष्य क्या? नहीं तो हम ऐसे जीवन जीते रहते हैं, सोचते भी नहीं है क्या जीवन क्या है। ये सोचो, जो जानता है वो नहीं बताएगा, जो बताएगा वो नहीं जानता है। गुरु जी, यदि भगवान हमारे भीतर हैं तो फिर हम जीवन में दुख क्यों महसूस करते हैं? भगवान से विमुख होते हैं। सूरज तो है, तुम उसको पीट करके खड़े हो तो छाया तो सामने दिखेगी, दुख वही सी छाया है, दुख असली बात नहीं है, वो छाया है, विमुखता का छाया है। परमात्मा से विमुख होते हैं तो दुख जीवन में होता है। गुरु जी, भागवत गीता और महाभारत में क्या अंतर है? भगवत गीता महाभारत का एक अंग है, एक पर्व में। जी गुरु जी, गुरु जी, गुरु और सतगुरु में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं, एक ही है गुरु जी। जिसमें सत्य नहीं है वो गुरु ही नहीं है, और वो विशेषण है बस, और कुछ नहीं। गुरुदेव, एक ही जिज्ञासा मन में है, सफलता क्या है एवं पूर्ण सफल कैसे हो सकते हैं? सफलता का चिन्ह यही है कि तुम्हारे चेहरे में मुस्कान रहे, तुम ऐसे मुस्कुराते रहोगे कुछ भी हो तो वो सफलता का चिन्ह है। गुरु जी, क्या आप नक्सलवादियों और आतंकवादियों को एक अच्छे इंसान बना सकते हो? बिल्कुल बने हैं, बहुत से नक्सलवादी मुख्य धारा से जुड़कर अच्छे इंसान बने हैं। हर बार झारखंड में इलेक्शन के वक्त खूब समस्या हुआ करती थी, बहुत जाने जाती थी। इस बार आपने देखा कि एक भी हिंसा का घटना नहीं हुआ, अच्छे लोग भाग लिए, कई नक्सल लोग, हजारों नक्सल लोगों मुख्य धारा से जुड़ना शुरू कर दिए हैं। कर्म, धर्म एवं अध्यात्म, तीनों में से जीवन में प्राथमिकता पहले किसको दिए? टेलीविजन पहले देखोगे या पहले सुनोगे, ये बताओ पहले मेरे को। पहले देखता हूं बाद में सुनता हूं, या पहले सुनता हूं बाद में देखता हूं तो चलेगा? नहीं, सब युगपत चलता है, धर्म कर्म अध्यात्म साथ साथ चलेगा। अगले प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा है, हम आर्ट ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा सांसारिक यानी आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए संसार में, यदि हम आर्ट ऑफ लिविंग के रिप्रेजेंटेटिव हैं? एक अच्छे इंसान के तौर पर, प्रामाणिकता के साथ, बनावटी नहीं, भीतर बाहर एक सा। इसका मतलब ये नहीं कि सत्य को लेके इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग जो परफेक्शन चाहते हैं ना, सब कुछ ठीक ठीक चाहते हैं, वो गुस्सा ज्यादा करते हैं। अज्ञान को भी डील करना आना चाहिए हमें, कैसे डील करें, कोई अज्ञानी है? तो तुम सहज और सरलता के तौर पर प्रामाणिकता से व्यवहार करोगे तो तुम जीवन जीने की कला सीख चुके हो, ये कह सकता हूं मैं। गुरु जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत? अरे अपने आप से पूछो ना, अपने अंतरात्मा से पूछो, अपने थोड़ी देर बैठ के देखो, गलत किया हो तो चुभेगा कुछ अंदर से, हाँ सही किया हो तो अंदर से आवाज आएगी, हाँ बिल्कुल सही है, कोई निर्भय रहोगे। जब भी आप सही करते हो कोई भय नहीं होता, गलत काम होने से क्या अंदर से कुछ इरिटेशन होता, कुछ चुभता है, कुछ मुश्किल खड़ी हो जाती है ना? गुरु जी, इसके बारे में आपने बात की, फिर भी भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद कब समाप्त होगा? क्या सनातन धर्म कहीं समाप्त तो नहीं हो जाएगा? नहीं, सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, अनादिकाल से चला आ रहा है, चलता चला जाएगा।
आज 30 साल हो गया आर्ट ऑफ लिविंग को शुरू हुए इस बरस। अभी हम कह सकते हैं योग और प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, सत्संग दुनिया के 152 देशों में हो रहा है। आप दक्षिण ध्रुव के आखिरी शहर है तेरा दिल फेगो अर्जेंटीना में, वहां जाइए, उधर भी हजारों लोग बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शाकाहारी बन गए। आप उत्तर ध्रुव के आखिरी शहर वहां चले जाइए त्रम से, जहां 2 महीने ऐसा ही रहता है, अंधेरा रहता है, न सूरज उगती न चांद आता है वहां 2 महीने पूरा। उस जगह पर भी मुझे ताजुब हुआ, वहां जब गया तो लोग एयरपोर्ट में मिलने आ गए कि बोले यहां हम लोग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठ के हम लोग सब साधना कर रहे हैं। तो पूरे दुनिया में जगह जगह है, और मैं यहां से अभी मैं परसों पाकिस्तान भी जा रहा हूं नर्सों, 11 तारीख को। 7 साल बाद, 7 साल पहले हम इंदौर आए थे, 7.5 साल पहले, उसके बाद पाकिस्तान गए, इस बार भी मध्य प्रदेश से इंदौर के बाद, रतलाम के बाद सीधा पाकिस्तान जा रहे हैं। वहां पर भी हजारों लोग साधना कर रहे हैं, बहुत आग्रह कर रहे थे वो लोग वहां आने के लिए, उनका बहुत बहुत दिल से बुला रहे थे, बहुत तमन्ना रही, तो मैं फिर यहां से वहीं जा रहा हूं। तो कि हमारा जो ये ज्ञान और ध्यान का जो परंपरा है, तरीका है, इसकी जरूरत दुनिया में कोने कोने में है, उसको ढंग से हमें पेश कराना चाहिए। पिछले बार जब हम पाकिस्तान गए थे, वहां लोगों ने मुझे यही पूछा था, गुरु जी आपके देश में इतने सारे भगवान, हम तो एक भगवान को मानते, आप इतने सारे भगवान को मानते हो? तब मैंने कहा नहीं, हम भी एक ही भगवान को मानते हैं। पता है कैसे? मैंने कहा देखिए, आप एक ही आटा है ना, आटा से समोसा बनाते हो, परोठा बनाते हो, और अलग अलग चीजें बना, हलवा बनाते हो, ये सब एक ही आटे से तो बनता है। कराची हलवा बनती है वो आटे से ही बनती है, वही गेहूं से। मैंने कहा आप इतने तरह तरह से क्यों गेहूं को बना के खाते हो? इसी तरह से हम भी एक ही ईश्वर, मगर उनको अलग अलग से मानते हैं, उनका अलग अलग गुण, अलग अलग गुण के साथ अलग अलग रूप हमने जोड़ दिया। इस्लाम में 99 नाम है खुदा को, अल्लाह को। हमने कहा अब सनातन धर्म में 108 नाम है, और 108 रूप भी बना लिया हमने, 108 भी नहीं, हम तो कहते हैं हजारों नाम, 1,800 नाम, हजारों नाम है, और हजारों रूपों में भी हम उनको मानते हैं। हे एक ही नूर, एक ही परमात्मा, उन्हीं को अलग अलग नाम और रूप में हम मानते हैं। मैंने ये बताया उन लोगों को, बहुत अच्छा लगा, बोले हमने कभी ऐसे नहीं सुना था, ये ज्ञान हमको कभी नहीं समझ में आता था, हम समझते थे वो अलग है, हम अलग हैं। सनातन धर्म माने क्या है? जब कहे ते पुरातन कालों से वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी दुनिया मेरी अपनी है, एक परिवार है, सारी दुनिया एक परिवार है। इस तरह का एक उदार चरित्र, उदार मनोभावना हो तो तुम धार्मिक अपने आप को कह सकते हो। गुरुजी, आधुनिक युग में युवा पीढ़ी में अध्यात्म खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, यहां देखिए कितने युवा बैठे हैं। लोग पैसों के पीछे भागते हैं, ऐसे में हम अध्यात्म से कैसे जुड़े रह सकते हैं, कहां से शुरुआत करें? पहले तो ये जान लो कि अध्यात्म और आर्थिक व्यवस्था एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, ये मान लेना।
ऐसा नहीं सोचना। अध्यात्म माने तुम जीवन में संपन्न नहीं होना है, ऐसा नहीं है। संपन्न संपन्न हो माने संपत्ति बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर धार्मिक तरीके से बनाओ। गुरुजी आज चारों तरफ धार्मिक आयोजन हो रहे हैं पर धर्म नजर नहीं आता है, क्या कारण है? नहीं ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, तुम्हें ऐसा नजर आता तो अपने थोड़ा आंखों को मल करके फिर देखना। दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या अधिक है, गलत करने वालों की संख्या थोड़े से ही है, कम है। मगर ये अच्छे लोग चुप रहते हैं, ये गलत है। यदि समाज बिगड़ी है तो अच्छे लोगों की खामोशी से, अच्छे लोग निष्क्रिय होके रहने से बिगड़ी है। सक्रिय हो जाएं अच्छे लोग सब समाज में, ये जो ताकते हैं ना कुछ आसुरी स्वभाव के लोग, वो बहुत थोड़े से होते हैं, वो सब दब जाएंगे। गुरुजी 2012 के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, इसमें आप भारत का भविष्य कैसा देखते हो? भारत के भविष्य अच्छा है, लोग जागेंगे इस साल, और मुझे यकीन है यहाँ के युवा जाग रहे हैं अभी। इलेक्शन में भी दिख रहा है, लोग सब जाग के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। गुरुजी पुरुष और स्त्री में इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? भेदभाव नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान ही एक जगह है जहां ईश्वर को भी अर्धनारीश्वर के रूप में देखा, आधा स्त्री आधा पुरुष। बल्कि यहां स्त्री को एक स्थान ऊंचा ही दी गई है, पहले स्त्री का नाम श्रीमती और श्री होता है हिंदुस्तान में, बाकी जगह मिस्टर एंड मिसेस होते हैं। अंग्रेजी में मिस्टर्स एंड मिस्टर नहीं बोलते हैं, मिस्टर एंड मिसेस बोलते हैं, हिंदुस्तान में श्रीमती एंड श्री लिखते हैं, है ना? हाँ। गुरु जी जीवन में अपनों की खुशी को ज्यादा महत्व दें या अपनी खुशियों को? क्यों, ये दोनों को दो आंख समझो, तुम खुश रहोगे तो तुम दूसरों को खुशी दे पाओगे, और दूसरों की खुशी देने में अपना खुशी जानोगे तो तुम और बहुत आगे निकल जाओगे। जीवन में उतार चढ़ाव एवं परेशानियों में विचलित नहीं होते एवं सदैव सम और प्रसन्न रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? गान, ज्ञान और ध्यान। हाँ आगे चलो। मोक्ष पाने की राह क्या है? तुम सही जगह बैठे हो, सही बात सुन रहे हो, कोई मुक्त ही तुम्हें मुक्त कर पाएंगे। हाँ। और तुम सही जगह हो, समझ गए क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आपको किस उम्र में अध्यात्म में रुचि जगी? अरे पैदा तो इसको लेके ही आए। यह तो मेरा स्वभाव में बना रहा लगता है, पता ही नहीं जब से होश संभाले यही बातें ऐसे ही चल रहा है। दुनिया नई भी लग रही है, पुरानी भी लग रही है, सब अपने भी लग रहे हैं और कोई पराया लगता ही नहीं, कोई दूजा नहीं लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलत राह पर जाए तो उससे प्रयास के बावजूद भी सही रास्ते पर नहीं ला सकते तो? तुम प्रयास से लेके आओ जो गलत रास्ते पर गया है, प्रयास से नहीं होता तो प्रार्थना से कर जरूर आ जाएगा। प्रार्थना तो करो, उनके लिए प्रार्थना करो। गुरु जी सहज आनंद क्या है? और अच्छा प्रार्थना ऐसे ऊपर ऊपर ही प्रार्थना नहीं है, उसके गलत रास्ते पर जाने का दर्द हमारे भीतर हो, और सिर्फ दर्द ही दर्द ना बना रहे,
उस दर्द को ईश्वर के प्रति लगा के समर्पण करें कि भाई इस व्यक्ति ठीक हो जाए, ऐसे आपके दिल में, दिल की गहराई में एक ऐसी प्रार्थना उठे, वो जरूर हो जाएगा। उससे भी नहीं होता है तो वो कर्म है, फिर छोड़ो। ये इसके कनेक्शन में गुरुजी, क्या वास्तव में ईश्वर है, और अगर है तो उसका अनुभव हम किस तरह करें? बस मैं आया हूं तुम्हें बताने ईश्वर है और तुझ में है, ये बताने ही आए हैं। अच्छा, उसको देखने की चेष्टा ना करो। कोई कहेगा मैं दिखा दूंगा तेरे को, बोलना मूर्ख है। वो वस्तु नहीं है, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, दृश्य नहीं है, वो दृष्टा में है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक ही ईश्वर को पाया जा सकता है, बहिर्मुख व्यक्ति कभी भी नहीं पाएगा, बहिर्मुख होके पा ही नहीं सकता। यदि ऐसा लगा किसी को, हाँ हनुमान जी सामने आ गए, कुछ तो भ्रम हो गया, बुद्धि में कुछ हो गया, कहो उसको, क्यों? दृश्य के रूप में दृष्टा को नहीं देख सकते हैं। दृश्य नहीं है, वस्तु नहीं है, अपने से बाहर नहीं है, आत्मा में, आत्मा के भीतर छिपा हुआ है परमात्मा। बस ध्यान में जाओगे तो फिर लगे वाह, ऐसा लगेगा अरे यही है जिसको मैं इतना ढूंढता रहा इधर उधर, ऐसा अनुभव में आ जाएगा। तब बस उसके बाद तुम्हें कोई हिला नहीं सकेगा दुनिया में, तेरी चेहरे से कोई मुस्कान हटा नहीं पाएगा। तो ईश्वर यही है, अभी है, हम में है, ये जान के विश्राम करो, बस मान के विश्राम करो, ठीक है।